अब क्या मॉडल है, कैसे मॉडल है, वो तो मॉडल किसी भी मॉडल के लिए कोई अच्छाई और बुराई का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। गुजरात मॉडल कितना सफल है या कोई दूसरा मॉडल कितना सफल है, जिससे पब्लिक को राहत मिलती है, जिससे पब्लिक का हित होता है, रोजी रोटी की समस्या हल होती है, जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य, आगे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कैसे रोजगार, कितने हैं जो ओवर एज हो गए, माँ बाप ने जीवन की सारी कमाई लगा दी कि हम पढ़ा लेंगे अपना, एक बेटा भी अगर हमारा कहीं नौकरी पा जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में निराशा है नौजवानों में। मार्केटों में, बाजारों में दुकानें तो जरूर खुली हैं, लेकिन वो रौनक नहीं है, वहाँ बिक्री नहीं है, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, हर तरफ हाय हाय मची हुई है। और ये हमारे देश में भी है, विश्व के दूसरे देशों में भी है, गाजीपुर उससे अछूता नहीं है, गाजीपुर भी इसका इसकी चपेट में है। देखिए व्यवस्था चलाने के लिए जनता ने जिसे अवसर दिया है वो किस मॉडल पर देश को, प्रदेश को, व्यवस्था को चलाता है, उस मॉडल पर कितनी देर तक जनता अपने मूल मुद्दों को छोड़ करके, भूल करके उधर देखती रहती है। अंतोगत्वा पेट की भूख तो पेट की भूख है, तन को ढकने की जरूरत तो सबके तन को ढकने की जरूरत है, ये रोटी कपड़ा और मकान ये हर इंसान की जरूरत है, और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार के साथ महंगाई पर नियंत्रण चाहिए। इस दिशा में तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी अपनी चला रही है, जो भी मॉडल चलाए, कोई मॉडल मॉडल तो लूलू मॉडल भी है, लेकिन जनता के हित पर कितना वो मॉडल सूट करता है और या जनता के भूख को कितनी देर तक भुला देता। सांसद जी, आप पर या आपके परिवार पर जो पिछले दिनों कार्रवाइयां हुई है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहती है? ये पुरस्कार है मुझे, मेरे लिए, जिस पथ पर मैं चलता हूं, पिछले 40-45 सालों से चल रहा हूं, उस पथ पर चलने वालों का इस दौर में यही पुरस्कार मिलेगा उसको।